Good morning, children. I hope all of you are doing well. Today we are going to study gender, okay? So what are the types of gender? In the previous class, we have learned about the gender. So in detail, I will explain all the types, okay? We know that there are four types of gender: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. What is masculine gender? A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. What is masculine gender? A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. Okay? What are the example of masculine gender? Boy, brother, father, bull, king, horse, man, lord, husband, monk, bachelor. So, gender कितने प्रकार के हैं? Gender चार प्रकार के हैं: masculine gender, feminine gender, common gender, neuter gender. Masculine gender किसे कहते हैं? A noun that denotes a male animal. That means masculine gender जो male animals है उन्हें कहते हैं masculine gender. जो noun male denotes करते हैं, okay? Male animals है उन्हें मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. उदाहरण क्या है? उदाहरण है बॉय मीन्स लड़का, ब्रदर भाई ये भी मेल है, फादर पापा जो मेल है, बुल मेल, किंग हॉर्स मेल है, मैन लॉर्ड, हस्बैंड मॉन्क बैचलर, ऑल आर मस्कुलाइन जेंडर because they denotes a male animal. आप लोगों को समझ आया? Masculine gender उसे कहते हैं जो male animals को identify करते हैं, okay? Feminine gender a noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. Feminine gender वो noun होता है जिससे कि जो female animal को identify करता है. समझ में आया? Examples है girl, sister, mother, cow, queen, mare हो गया आपका, horse का feminine gender हुआ mare, okay? Woman, lady, wife, nun, monk का feminine हुआ nun, bachelor का spinster. So these are the examples of feminine gender. Feminine gender किसे कहते हैं? What is feminine gender? A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. Example, girl, sister, mother, etc. Feminine gender उसे कहते हैं जो लड़कियों को, जो महिलाओं को डिनोट करते हैं, महिलाओं को आइडेंटिफाई करते हैं जो नाउन, उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थर्ड वन इज कॉमन जेंडर. पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में बताऊंगी, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ओके? थर्ड वन इज़ कॉमन जेंडर. मैं अगर पूरा वीडियो हिंदी में बना लूंगी तो आप लोगों को इंग्लिश अगर आप समझ भी जाओगे तो बोलने में तकलीफ़ होगा. जितना आप अच्छे से ग्रामर सीखोगे, जितना आप अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को अपने तरीके से ढालोगे, अपने तरीके से सीखोगे, उतना ही आप आगे जा पाओगे, आप आगे इंग्लिश सीख पाओगे और इंग्लिश बोल भी पाओगे, ओके?
Third one is common gender. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. A noun, एक noun जो either male है और female है, means जिस word से, जिस noun से हम लोगों को दोनों male और female दोनों का आभास होता है, दोनों का आभास होता है, उसे हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं. जैसे कि कज़िन, एज फॉर एग्जांपल, कज़िन, फ्रेंड, पेरेंट, चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, नेबर, इन्फेंट, ऑर्फेन एक्सेट्रा. आप लोग खुद सोचिए, कज़िन, कज़िन किसे कहते हैं हम लोग? कज़िन हो सकता है सिस्टर भी हो, कज़िन सिस्टर भी हो, या फिर कज़िन ब्रदर भी हो सकता है ना? तो कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो आइदर मेल होगा या फिर फीमेल होगा. ओके, सो कॉमन जेंडर इज ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल. फ्रेंड, एक फ्रेंड तो सबको हम लोग, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, सही ना? तो फ्रेंड भी कॉमन जेंडर होता है. पेरेंट, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी, मदर या फिर फादर हो सकते हैं पेरेंट में, तो पेरेंट भी कॉमन जेंडर. चाइल्ड, बेबी, सब कॉमन जेंडर है. स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट भी है, बॉयज स्टूडेंट भी है. नेबर, नेबर गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, मैन वमेन सब है ना? तो नेबर कोई भी हो सकता है, ये कॉमन जेंडर है. इन्फेंट, ऑर्फेन, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन जेंडर. सो व्हाट इज कॉमन जेंडर? A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. As for example, cousin, friend, parent, child, baby, student, neighbor, infant, orphan, etc. आप सभी लोगों से एक ही request है कि आप लोग ये video end तक देखें. Last में मैंने कुछ important questions दिए हैं जो आज के होमवर्क है. ओके, आप लोग ये होमवर्क्स थ्रू व्हाट्सएप भी मुझे सेंड कर सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप लोग अपना होमवर्क्स डाल सकते हो करके. ओके, सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, यू जस्ट सी दिस वीडियो अंटिल एंड. ओके, बिकॉज आई हैव गिवन सम important questions at the last part as your homework. So you can send the homeworks through WhatsApp messages, or you can comment your homework at the comment section. Okay, so moving to the next one, I hope you have understood. First one is masculine gender, second one feminine gender, third one is common gender. Okay, masculine is male animal, feminine gender is female, and common is either a male or a female, and fourth one is neuter gender. A noun that denotes a thing that is neither male nor female, that is thing without life, is said to be of the neuter gender. Neuter gender उस word को, उस शब्द को, उस noun को, उस विशेष्य को कहते हैं जो कि ना तो male है ना तो female है, without life है, उसका कुछ वो living things है ही नहीं. okay, neuter gender उसे कहते हैं, उस noun को कहते हैं, उस विशेष्य को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, जिसमें लाइफ नहीं है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, जो एक लिविंग थिंग्स जिसमें प्राण नहीं है. ओके, एज फॉर एग्जांपल, बुक, स्टोन, पेन, पेंसिल, रूम, कप, चेयर, टेबल, बॉल एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूटर जेंडर. ओके, these all are non-living things, these are non-living things, these are the things without life. Okay, do you know the non-living, what is non-living things?
the things which are not having life. These are known as non-living things. Book, stone, pen, pencil, room, cup, chair, table, ball, etc. All are non-living things. All are non-living things. So today's homework is, okay, I have given three questions, okay? Today's homeworks are, first question is, what are the types of gender? Explain them. I have explained it nicely, so you can note it down on your notebook and you can send it through the WhatsApp. Second one is, change the gender. Change the gender. I have mixed up with all the genders, not all, first one and second one, that means masculine and feminine. So if it is masculine gender, then you have to write down in feminine gender, and if it is feminine gender, then you have to write down the masculine gender. First one is boy. So what will be the answer? Boy, girl, brother, sister, bachelor, spinster, horse, mare, king, queen, lord, lady, man, woman, monk, nun, bull, cow, wife, husband, mother, father, hen, cock, gentleman, lady, aunt, uncle, daughter, son, madam, sir. I have told you the answers. You have to write down all these answers nicely within the notebook. Okay. Next one is, identify the gender. Stone, singer, doctor, mother, computer, sir, woman, queen, bachelor, horse, lord, table, cousin, book, boy. Stone is non-living things. It is a neuter gender. Singer, it may be a male or either male or female. So it is a common gender. Doctor, common gender. Mother, feminine gender. Computer, non-living things. So it is neuter gender. Sir, masculine gender. Woman, feminine gender. Queen, feminine gender. Bachelor, masculine gender. Horse, masculine gender. Lord, masculine gender. Table, it's a non-living things without life. This is neuter gender. Cousin, common gender. Book, non-living things, neuter gender. Boy, masculine gender. So you have to write down all these three questions within the notebook nicely, okay, and send it to my WhatsApp number, or you can send your homework through the comments section. Thank you, all of you. Have a nice day. So before ending the class, let me summarize all the topics once again. Today we have learned about the gender, types of gender, then masculine gender, feminine gender, common gender, and neuter gender. So we have learned all these four types of genders elaborately, and I have given three questions as your homework. Okay, so you have to write down all these answers within the notebook correctly and nicely, because I have discussed the answer here. Okay, so in the next session I will discuss about the next topic. Till then, bye bye, have a nice day.